अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। शहर लाहौर समेत सूबे भर में डेंगी मच्छर, ख़तरनाक मच्छर के वार जारी हैं। और आपको याद होगा कि ये वही मच्छर है जिस पर माजी में भी बड़ी सियासत की गई है। कभी पंजाब में डेंगी मच्छर की आउटब्रेक हुई तो मियाँ बरादरान को हतफ़ तनकीद बनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इस मच्छर ने खैबर पख्तूनख्वा का रुख किया तो वहाँ पर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नून लीग की जानिब से हतफ़ तनकीद बनाया गया। अब एक बार फिर इस मच्छर ने सर उठा लिया है। 2011 में इस मच्छर ने पंजाब का रुख किया था, जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत ने एक मौसर हिकमत अमली वज़ा की और डेंगी मच्छर से नबरदाजमा हुए। बार कैफ अब तक 300 के करीब अफराद मौत की वादी में जा चुके हैं इस मच्छर के हमले से। अगर अब तक की बात करूं तो शहर लाहौर के अंदर सरकारी आदाद शुमार ये बताते हैं, उस वक्त जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 38 मरीज रिपोर्ट हुए हैं जिनको डेंगी ने निशाना बनाया है। ये सरकारी आदाद शुमार है, जबकि गैर सरकारी आदाद शुमार ये बताते हैं कि 90 के करीब ऐसे मरीज हैं जहाँ डेंगी केसेस रिपोर्ट हुए हैं, मुख्तलिफ अस्पतालों में ले जाए गए हैं। दिस इज़ समथिंग वेरी अलार्मिंग। इस मच्छर को लेकर सियासत की जाती है तो मैं इस वक्त जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मौजूद हूँ, ये NA 125 है, ये वही हल्का है जो यास्मीन राशिद साहिबा का हल्का है, ये वही हल्का है जिसके अंदर वो पानी की बोतलें उठाकर सियासत किया करती थी, कैंपेन करती थी कि यहाँ का पानी बहुत गंदा है, इसको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जब इक्तदार में आएगी तो इन मसाइल को ठीक करने की कोशिश करेगी। आज इसी हल्के के लोग मेरे सामने खड़े हुए हैं, बच्चे भी हैं, ख्वातीन भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हत्ता कि एक बुजुर्ग इस गंदे पानी के अंदर बैठे हुए हैं। किस तरह उतरे हैं ये, कैसे इनका जीना दोबर कर रखा है, और ये लोग डायरेक्टली सफर हो सकते हैं, अटैक हो सकता है डेंगी मच्छर का, जो जानलेवा भी साबित हो सकता है। बुजुर्गों से बात करते हैं सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों। आप गंदे पानी में यहाँ बैठे हुए हैं, की करिए, साड़ी मजबूरी है। और मैं तेन अगर सुना रहा है कि बेड़ी कागज़ की बंदर मलाह बनया, मैं नहीं कहना, अर्थ लोग कहते हैं बेड़ी कागज़ की बंदर मलाह बनया, तो अन्ना चलिया पुरख पावने भुखा खंडद किरदा है, रखा दाने कुकड़ पास्त कामने, तो इजड़ अगे बघेड़ा ने छेड़ दिता शेर मझियाँ पास्त रावने, तो वर्ष आखिर मुकाम फुना दाए कन्नू फलना है में फलाने आया नहीं कि सारे काम करने वास्ते आया कोई। मच्छर पहले भी आया सी, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी डेंगी मच्छर आया था, क्या वो हुकूमत ठीक तरीके से नबरदाजमा हुई थी या ये हुकूमत ठीक कर रही है, मच्छर से निबड़ रही, लड़ रही है? हुकूमत आई है लड़ती तो पई है, लेकिन साढ़े पास मुश्किल है कि महंगाई बखरी हो गई, हर चीज बखरी हो गई, बैठे नहीं जा रहे हैं, ये ताफुन है, उठ जाए यहाँ से, उठ जाए यहाँ से, उठ जाए, कोई बीमार हो सकते हैं, गंदा पानी है, सिवरेज मिला है, इस गंदे पानी में तो कहते हैं कि डेंगू मच्छर भी नहीं आता है। कि साडा जेड़ा मुल्क है ना पाकिस्तान, पाकिस्तान जी, पाकिस्तान ए सोने दी चिड़िया उंगलेगा, सोने दी चिड़िया उंगलेगा, ये बचाने दा हुंदियां, आ गया इस पानी साजा, पढ़े लिखे बच्चे ने जेड़े नकारे फिरदे पे ने, कौन कौन बात है इनां दा। 127 है जी, यास्मीन राशिद साहिबा के हलके के बहुत सारे लोग यहां पर हैं, सबसे बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? समीउल्ला। NA 125 है ये? जी जी, ये NA 125। जी जी, 125। आप देख सकते हैं यहाँ पर 125 है, NA 125। हाँ। यास्मीन राशिद साहिबा का हल्का है। हमारे हमें यहाँ पर किसी तरह की बुनियादी सहूलियात नहीं दी गई, हमारा मुतालबा कोई नहीं है, हमारा मुतालबा यही है कि हमें ये बुनियादी सहूलत दें। ये जो गंदा पानी हमारी गलियों में खड़ा है, हमारे घरों में दाखिल हो जाता है, जब बारिश आती है तो हम ऊपर चले जाते हैं, इतना इतना पानी गंदा। अच्छा, मामला पता क्या है? डेंगी मच्छर वाला मामला बड़ा संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, लेकिन डेंगी मच्छर की मौजूदगी जो है ना, कहते हैं साफ पानी के अंदर होती है, इसलिए पानी को किसी जगह पे जमा ना होने दें, खड़ा ना होने दें, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ इस हलके की भी है ना, ये इशू भी हैं कि जहाँ पर डेंगी सर्वेलेंस टीमें जाती हैं, मुकदमात दर्ज होते हैं, ज़िले इंतज़ामिया ने रिकॉर्ड मुकदमात दर्ज किए हैं, तकरीबन 800 FIRs लॉन्च हुई हैं उन लोगों के अगेंस्ट जिन्होंने पानी जमा कर रखा था, जिनके यहाँ पानी के निकास की कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं था। अब इस पानी का निकास कौन करेगा? यहाँ साफ और गंदा पानी दोनों बदरजा तम पाए जाते हैं, यहाँ पर गंदा मच्छर भी है, यहाँ पर डेंगी मच्छर, यहाँ मलेरिया भी है, यहाँ डेंगी भी हो सकता है, यहाँ से पानी तो खत्म होता ही नहीं है ना, पानी यहाँ हर टाइम जमा रहता है, ठीक है। और हम KP की तो बातें तो करते हैं, लेकिन ये हमारा शहबाज शरीफ का जो है, ये सिंगापुर का दावा करते थे, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे वालिद साहब को डेंगी हुआ है, हमारे वालिद साहब को डेंगू, अभी उनका ट्रीटमेंट जारी है, किस हॉस्पिटल में है वो? ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हॉस्पिटल में। अच्छा, डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल। तो कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है? जाहिर है वो तो प्राइवेट ही है, प्राइवेट ही करवा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा मुतालबा यही है कि जैसे हमारे वालिद साहब बीमार हुए हैं और लोग बीमार ना हों,
और लोग जो है ना वो डेंगू से महफूज रहे। हमारा ये मुतालबा है कि हमारे मोहल्ले को साफ करवाया जाए। बिल्कुल सही है जी, आप क्या कहेंगे इस पर? असं ये कहने कि डॉक्टर यासमीन राशिद पहले तो वड्डी अमीर रोजदा कहती थी कि मैं तुझे पुत्री साढ़े पुत्र हो सोडी साढ़े औलाद हो इतने पानी से खलो के प्रोग्राम कराती होंगी सी। अज नहीं वजीरे सेहत बनी, अज नहीं उन्होंने दसदा पी लोग बीमार हो साढ़े बच्चे रोते बच्चे टिकी कटर के अच लगता जिम्मे छापर। यकीन करो कि अगर मर जाती तो पेट ही पै जाना सी, गटर कटाते पे सी इंज छापर जिम्मे तरता पे वेख सिर इंज फट के असी बाहर कढ़ी। इससे अच्छा तो नून लीग का दौर अच्छा था, हम कह सुन के ये करवा तो लेते थे। मेरे पुत्र वड्डी अम्मी बनी सी, हुन कित्ते गई उन्नी सी देश दे वड्डी अम्मी। तब्दीली सरकार ने बहुत दावे किए थे कि हमारी हुकूमत आए हम ये करवा देंगे हम वो करवा देंगे, ठीक है, कोई एक एक टके का काम नहीं हुआ हमारे इलाके में। खवातीन भी यहाँ पर मौजूद है, बच्चे भी हैं, सबसे बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? हाँ जी ठीक है। सुन रहे हैं मर्द हज़रात तो बड़े सीख पाए हैं, खवातीन को भी ऑब्वियसली घरों में रहती हैं, बच्चे बाहर निकलते हैं मसाइल का सामना, और ख़ासतौर पर डेंगू मच्छर जो सर उठा रहा है वो कहते हैं यहाँ पर केसेज भी रिपोर्ट हुए हैं, क्या कहेंगी डॉक्टर साहबा को? डॉक्टर यासमीन राशिद साहब आपके पास भी आई थी? हाँ जी, डॉक्टर यासमीन साहब इधर आई थी हमारे मोहल्ले में, हमने सब ने उनको वोट दिया है और इधर मोहल्ले में यहाँ पर भी बैठी थी वो कह रही थी ये गली ये सब कुछ हम ठीक कर देंगे, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। हम गली में से गुजर के जाते हैं, इतनी मुश्किल से जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, सब कुछ ख़राब है, कोई आज तक कभी इधर कोई आया नहीं। बिल्कुल सही, डेंगू सर्वेलेंस टीमें जा रही हैं, मुकदमात दर्ज कर रही हैं, 800 रिकॉर्ड मुकदमे, ये मुकदमा किस पर दर्ज करें? ये मुकदमा हम आपकी जो है वो दरबार में पेश करते हैं, अब आप बताएं कि किसके खिलाफ ये पर्चा काटे? डॉक्टर यासमीन राशिद साहिबा के खिलाफ काटे जिनका जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करती हैं, यहाँ के लोगों के मसाइल की यकीन दहानी, हल की यकीन दहानी करा के गई, अब जब वो MPA हो गई हैं, मौजूद हैं मखसूस नशस्त पे ही सही, तो कम अज़ कम यहाँ के लोगों की कोई दादरसी तो होनी चाहिए ना, सुनवाई तो होनी चाहिए, क्या कहेंगे माँ जी? बेटा हमें आप देख रहे हैं अपनी आँखों से कोई सहूलत नज़र आ रही है? हमारे बच्चे हम खुद गिर जाते हैं, इतनी प्रॉब्लम होती है, तो कुछ भी पानी नहीं है और मजीद आगे ही जाता है पानी, हम गिर जाते हैं, बच्चे हमारे पढ़ने नहीं जाते, गंदा पानी हम पी रहे हैं, हमारे घरों पलीत है, हम खुद पलीत रहते हैं, ये इलाका आप खुद देख रहे हैं। जब तक हमें पानी का निकास नहीं मिलेगा हमें कुछ नहीं होगा, ऐसे ही वादे करते हैं, ऐसे ही आके चले जाते हैं। पानी तो खड़ा होगा ना, जब निकासी आपका मुनासिब इंतजाम नहीं होगा तो पानी तो खड़ा होगा, वो पानी कहाँ जाएगा, ये कहाँ डिस्पोज करें उसको, किस डिस्पोजल स्टेशन में फेंकें? सिर्फ दिखावा करते हैं और कुछ नहीं करते, बड़े बड़े दावे करते हैं, वोट ले लेते हैं, वो भी गंदा आता है पीने के लिए भी। हाँ जी वो भी गंदा आता है, और जैसे गटर का पानी, यानी वो पानी अगर गंदा पी लेंगे तो गैस्ट्रो है, अगर वो पानी बाहर गंदा खड़ा होगा तो मलेरिया है, और अगर घर के अंदर पानी जमा हो जाएगा निकास नहीं होगा तो डेंगू है, यानी डेंगू भी है मलेरिया भी है और गैस्ट्रो भी है, मल्टीपल डिजीजेस की बात हो रही है। पानी पीने वाले चैनी की स्मेल आंदी ना, पानी पीता नहीं जा रहा, ठीक है, तो ना इतने कोई मरना ना जीना कोई नहीं, इन्ना का गंद है जो मच्छर मच्छर देखो काटे मच्छर तो काटे गड़े हो गए, हमारे गोडे रह गए हैं चल चल के ये गंदे पानियों में, थड़ गए बच्चे, फिंसियां देखो बच्चियां दे की हाल है, ऐसे पानी गंदगी दे विचों जा जा के। अच्छा ये कोई डेंगू मच्छर मरने का हाल है ना जीने का हाल है, ये तो हमारी गली हमारे लिए ताना ही बन गई है, कोई मेहमान नहीं आता ना हम कहीं जा सकते हैं, कोई बीमार हो जाए तो उसकी दवाई नहीं लेने जा सकते, कोई मर जावे तो माजे तो कहां रखे, गाड़ी वाला नहीं आता, ये बिल्कुल ताना मार गई है हमारी गली हमारे लिए, सारे रिश्तेदार भी कहते हैं आपकी गली सही हुई है, गली का पानी खत्म हुआ, हम कहते हैं नहीं, ठीक है, मतलब ये लोग हाई रिस्क के ऊपर हैं डेंगू मच्छर को लेकर, दो तीन वाके मौतें हुई हैं, हम शादी हाल में जाके लेके गए उधर जनाजे रखे हैं। अच्छा अगर आप तकाबली जायजा लें, जो माजी की हुकूमत थी यानी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, मियाँ साहब की हुकूमत थी, वो बेहतर कर रहे थे डेंगू के तदारुक के लार्वे के तदारुक के लिए? नहीं अच्छी थी, फिर भी नवाज शरीफ की हुकूमत अच्छी थी, इस हुकूमत से 100 साल हो गए हैं यहाँ आए हुए, हमारा तो यही हाल है, वो सुनते तो थे, ये तो सुनते ही नहीं है अपनी जेब, नवाज शरीफ की हुकूमत सही थी, इमरान खान की हुकूमत बिल्कुल गलत है, वोट तो आपने दिया पर पछता रहे हैं आप भी, पछता हमने नहीं दिया, मैंने नहीं दिया इनको, आप पछता रहे हैं या ना दे, हमने वोट ही नहीं इसको दिया, इसको ना दो वोट। अच्छा आपके यहाँ क्या मामला, आपने दिया है? हाँ जी, तो अब आप भी उनकी तरह पछता रहे हैं, खुश हैं? पछता रहे हैं, क्या करना है, पछता रहे हैं, हाँ बिल्कुल, ये बड़ी है, इससे अच्छा था ना ही देते, ना ही देते, ना ही देते, इससे अच्छा वोट ही ना देते, ना ही देते, वो बेहतर था, आंधा नहीं, बिल्कुल सारा गंद है गली दूसरे गली, कोई मेहमान कोई रिश्तेदार कोई आंधा नहीं है, बहुत थोड़ा गंदा है, तो की करे कितनी जाए, ये
बहुत किए गए हैं बहुत जितने भी यहाँ से। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि कहते हमें कह दिया जाता है ये फ्लड एरिया है। अगर ये फ्लड एरिया है डॉक्टर यास्मीन राशिद यहाँ से क्यों इलेक्शन लड़ती हैं, राणा मशहूर साहब यहाँ से क्यों इलेक्शन लड़ते हैं, बहुत बहुत नामी ग्रामी शख्सियत यहाँ से इलेक्शन लड़कर गए हैं, एमपी एमएनए बने हैं, आला दर्जे पर फायज हैं, ठीक है। और फिर जब हमारे मसाइल की बात आती है तो तब ये कहते हैं जी ये फ्लड एरिया, अगर फ्लड एरिया तो फिर वोट मांगने के लिए क्यों आते हो भाई, क्यों वोट दिया जाता है हमारे फ्लड एरिए से। हमारा मुतालबा यही है कि जो हमारी बुनियादी सहूलियात हमें वो मैसर की जाएँ। हम किसी तरह का मुतालबा नहीं करते, ना हमें डिस्पेंसरी दें, ना हमें कॉलेज दें, ना यूनिवर्सिटियाँ दें, हमारे सिर्फ जो ये हमारा पानी का मुतालबा है ये हमारा हल कर दिया जाए। हमारा हुकूमत से खुदा रहा, हमारा इमरान खान साहब से, वज़ीर आला जो ये कहते हैं कि जनाब बहुत अच्छा आदमी है वज़ीर आला साहब उस्मान बसदार साहब से हमारा ये मुतालबा है, स्पेशली हमारा जो ये मसला है, ये जो हमारा जानलेवा मसला हुआ है इसको हल किया जाए। बिल्कुल सही है जी, ये बहुत दुरुस्त है अपनी जगह पर, इनका इशू अपनी जगह एग्जिस्ट करता है। निकासी आपका बड़ा प्रॉब्लम है, गलियां यहाँ गंदे पानी से भरी हुई हैं और ऑब्वियसली साफ पानी के निकास के लिए जहाँ पे डेंगू मच्छर आता है उसके निकास के लिए भी तो कुछ जगह होगी तो पानी निकलेगा ना, और पानी अगर खड़ा होगा डेंगू सर्वेलेंस टीमें यहाँ तो आए ना, इस इलाके का भी रुख करें, यहाँ भी कोई पर्चे दर्ज करें। और हम ये साथ वाले घर में एक फौत की हुई है तो जब कोई फौत हो जाता है तो बंद रोड पे यतीमों और मस्कीनों की तरह रखकर दफना दिया जाता है क्योंकि मोहल्ले में जगह ही नहीं है, कहाँ गली में कौन आएगा यहाँ पर, ना ही हमारा मरना अच्छा है और ना ही हमारा जीना अच्छा है। इससे तो अच्छा है कि जनाब हमें हमारे घर भी ढा दिए जाएँ, तमीराती जो ये हमारे घर हुए हैं हम कहीं खैमे पजीर हो जाएँ, हमारी ज़िंदगी जो है वो सुकून में गुजर हो जाए। हमारे मोहल्ले के तीन मस्जिदें हैं, तीन मस्जिदों के लिए पाक साहब आदमी नमाज नहीं पढ़ सकता, तीन मस्जिदों का रास्ता जो उसमें पानी है, तीन मस्जिदों का। सही है जी, ये जो डेंगू मच्छर है ये कोई नया नहीं है, ये दीगर ममालिक के अंदर भी मच्छर पाया गया, हमारे हमसाया मुल्क भारत के अंदर भी ये डेंगू आउटब्रेक हुआ, श्रीलंका के अंदर भी हुआ। श्रीलंका से आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में टीमें यहाँ बुलवाई गई और हमारे डॉक्टर्स को ट्रेन किया गया। अब ये लार्वा जब बनता है तो होना तो ये चाहिए कि मॉनसून का मौसम जब आ रहा होता है पता होना चाहिए कि इससे पहले कोई एहतियाती तदाबीर हो जानी चाहिए, लार्वे को बनते ही तल्फ हो जाना चाहिए, लेकिन वो लार्वा जब मच्छर में तब्दील हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो मुश्किल हो जाएगा, चैलेंजिंग हो जाएगा, फिर तो मरीज़ ही बढ़ेंगे। और अब यही हो रहा है, मैंने जैसे पहले कहा कि जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम रिपोर्ट कर रहा हूँ उस वक्त सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 38 मरीज़ हैं, गैर सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 90 से ज़ायद मरीज़ हैं जो डेंगू में मुब्तला हैं, हस्पतालों में ले जाए गए हैं, और खुदा ना करे कि ये नंबर जो है वो इंक्रीज़ ही होता चला जाए, खुदा करे कि मरीज़ कम हो, ये डेंगू से हम निमट पड़े। लेकिन सवाल ये है कि क्या माजी की हुकूमत बेहतर तौर पे हिकमत अमली वजह करके चल रही थी या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने डेंगू से निमटने के लिए कोई मस्बत हिकमत अमली तैयार की है, कोई बेहतर प्लान तैयार किया है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है हज़रत कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत जो है वो मौसर एक मतलब वजह करके चल रही थी डेंगू के लिए या पीटीआई बेहतर कर रही है? नून लीग वाले ठीक चल रहे थे। अच्छा। मुझे अभी कुछ 4-5 दिन हुए हैं डेंगू हुआ है, मैं हॉस्पिटल में गया वहाँ पे मुझे दाखिल नहीं किया उन्होंने। आप किस मर्ज़ को लेके गए? क्या डेंगू को? डेंगू के अच्छा किस हॉस्पिटल में? उन्होंने मेरे हॉस्पिटल में उन्होंने कहा भाई यहाँ पे हमारे पास बेड नहीं है। डॉक्टर एक्यू खान हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, म्यो हॉस्पिटल, म्यो हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में। हाँ, फिर हम गए वहाँ अस्पताल बती जाऊँ। अच्छा, उन्होंने फिर प्राइवेट इलाज करवाया है। ये कितने अरसा पहले की बात है? ये 4-5 दिन पहले की बात। 4-5 दिन पहले तशखीस हुई कि डेंगू है। हाँ। आप हैं मेरे पास, रिपोर्टें कराई मैंने। आपके पास रिपोर्ट भी मौजूद हैं कि आप में डेंगू की तशखीस हो गई? आप गए म्यो हॉस्पिटल में? टाइफाइड की भी और डेंगू तीनों रिपोर्ट्स हुई हैं, बाकायदा हमारे पास रिपोर्ट्स भी हैं डेंगू का। इन ये पेशेंट हैं डेंगू के, ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर डेंगू ना हो तो फिर क्या हो। हम दावे तो बहुत करते हैं, केपीकी में जब कोई मरीज चला जाता है तो सारा रुख केपीकी की तरफ चला जाता है, ठीक है। हमारे अपने घर में डेंगू है, लाहौर को आप बड़े दावे करते हैं, लाहौर में सबसे ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो डेंगू के लाहौर में। बिल्कुल सही है, सरकार कहती है कि तकरीबन 38 हैं 39 हैं लेकिन गैर सरकारी अदाद शुमार इससे कहीं ज़्यादा है। अच्छा, म्यो हॉस्पिटल में आपको क्या कहा गया? कोई वहाँ स्पेशल वार्ड नहीं था डेंगू के मरीजों के लिए? ये तो नहीं पता, उन्होंने कहा भी यहाँ पे अब ना बेड नहीं है।
आप दो चार दिन ठहर के आए फिर आपका यहाँ बेड नहीं है, यानी इससे आपसे पहले भी डेंगू के मरीज वहाँ थे मौजूद थे? वो तो हमने नहीं ना देखा, हम तो एमरजेंसी में गए थे ना, फिर आप प्राइवेट हॉस्पिटल चले गए, वहाँ से भी जाके हमने फिर टेस्ट वेस्ट कराए। आप वहाँ दाखिल रहे? नहीं, दाखिल उन्होंने भी नहीं किया, आप हम खुद ही नहीं हुए वहाँ तो दाखिल। ठीक है, तो इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या कुछ दूर हो चुका है? कुछ नहीं, अभी कुछ है। ठीक है, अभी उसकी मौजूद है, मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं। अल्लाह ताला आपको जल्दी जो है शिफायाब करे। लेकिन ये जो डेंगू के पेशेंट हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, रिपोर्ट्स इनके पास मौजूद हैं। जब डेंगू के मरज़ की तशखीस एक पेशेंट के अंदर हो जाती है तो सरकार उसको एक्नॉलेज ही नहीं करती कि कहीं वो आदाद व शुमार के अंदर आ जाएगा तो हमारी बदनामी होगी। अब डेंगू के पेशेंट मियो हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर कोई बेड मौजूद नहीं है, यानी कोई स्पेशल इमरजेंसी नाफिज नहीं की गई, कोई स्पेशल वार्ड नहीं बनाया गया कि जहाँ डेंगू के पेशेंट्स को रखा जाए और उनको ट्रीट करके वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाए। ये प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करते हैं, वहाँ से टेस्ट कराते हैं और उसके बाद अपनी मदद आपके तहत इलाज भी करा रहे हैं। ये तमाम दर सूरत हाल। बच्चा बीमार था, अभी अभी रिपोर्ट आई है कि वो फौत हो गया। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, ये हमारे मोहल्ले का, आप देख पानी यहाँ पर जमा है, हम कहाँ से उसकी डेड बॉडी लेकर जाएंगे। एक बच्चा फोत हो गया, अभी पता चला है कि वो बीमार था, वो देख लें जी, इनका बच्चा फोत हो गया है जी। मेरा पोतरा फोत हो गया अस्पताल से, मैं लेके आ रहा हूँ गंगाराम से, अब बताओ मैं कहाँ से लेके जाऊँ उसका जनाजा, क्या समझो? ये अब से नहीं है, बर्बाद हो गया। हम ऐसे थी कि चलो वो शेर वाले तो गंदे थे, वो जानवर थे, उन्होंने 10 साल से तवज्जो नहीं दी है। यहाँ पर राणा मशहूद आया वजीर तलीम, जो वजीर तलीम का वजीर है, हम तो अनपढ़ हैं, उसको ये एहसास नहीं हुआ। 20 करोड़ का वादा करके गया यहाँ पर कि मैं 20 करोड़ रुपया लगाऊंगा, मुझे एक माह का टाइम दे दे यूसी 71 के लिए। और राणा मशहूद भी भाग गया, बिलाल यासिन आके जीतते वही है शेर ही, मगर काम यहाँ पर कोई नहीं होता है। अब मैं पीटीआई से उम्मीद मुतालबा करता हूँ, अब मेरा बच्चा फौत हो गया, मैं कहाँ से जनाजा लेकर जाऊँ, क्या समझो? और यार मुसलमान तो होना बात की बात है, कम से कम इंसानियत अपने अंदर पैदा कर लें, इंसानियत पैदा कर लें, इंसानियत के नाते हमारा एहसास करें। ये इंसानी जान से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा लॉस है। हम आपसे इजहार ताज़ियत करते हैं कि अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। पीछे वापस क्या, इसलिए कि यार कम से कम खुदारा यार इंसानियत का एहसास करें। कहलाता तो हमारे मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इतने लुच्चा सब तो उच्चा, मुनाफक का बोलबाला, सच का मुँह काला, ये आपने कहना ज़रूर है टी वी में। पहले वो अपने काशिफ अब्बासी साहब भी, उन्होंने भी हकीम वाले बाजार में मेरा इंटरव्यू लिया था नवाज शरीफ के दौर में, वो बहुत बड़े एंकर है, वो उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी नहीं दिया था, ये चलेगा, सब क्या समझो? मैं ये समझता हूँ कि यार ये बिक जाते हैं जो इंटरव्यू, आवाम का इंटरव्यू सब चलेगा। हमारा प्रोग्राम ही आवामी प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आपका है, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट आपका प्रोग्राम है। हमने अपना खून देकर इस मुल्क को बनाया था, किसी अमीर वडेरे ने बनाया था, गरीब ने खून दिया था, और आज तक 71-72 साल से गरीब ही पिस रहा है, गरीब कोई मारा जा रहा है, बाहर से फंड भी लिया जाता है तो गरीबों के नाम पर लिया जाता है। मुझे बताएं सर, आपके पोते की डेड बॉडी कहाँ है इस वक्त? वो मैं अभी लेकर आया हूँ, मैं उसको नहाने लगा हूँ, नहाकर मोटरसाइकिल पर बिठा के फिर लेकर जाएंगे हम। हम यहाँ साथ होंगे। और तदफीन का वक्त आपने क्या मुकर्रर किया है? ये अभी यहाँ पर मस्जिद में जनाजा पढ़ा देंगे हम। अभी हम साथ चलेंगे वहाँ से जहाँ डेड बॉडी मौजूद है और वहाँ से मस्जिद तक लेकर जाएंगे। ये रियल इशू है, रियल इशू है, खानदान गमजदा है, प्रॉब्लम में है, और सरकार के कान पर जू तक नहीं रींगती। इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है कि दादा अपने पोते की डेड बॉडी उठाकर मस्जिद तक नहीं लेकर जा सकता है, और कितना गम का इजहार कर रहा है बरमला। ये मामला तब मैं रो रहा हूँ कि हमारा ये इस्लामी मुल्क है, और इस्लाम किसको कहते हैं? हमारे मुसलमान हुक्मरानों को इस्लाम का मतलब का नहीं पता है, कहलाते हैं मुसलमान है, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले मुसलमान कहलाते हैं, मगर इंसानियत का एहसास नहीं है। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को मुसलमान तो बात की बात है। सब्र जमील अता फरमाए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू भाई, गम के मौके पे हम आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आप हमारे गम में शरीक हुए, अल्लाह ताला आपको जजा दे, आप हमारे गम में शरीक हुए हैं, हम आपके साथ हैं। आपका आपके बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको सब्र जमील अता करे सर। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक ऑफ द ब्रेक व्यूअर्स, जहां इस इलाके के मकीनों के चेहरे सोगवार हैं यहां के इलाके की हालत इजार देखकर,
वहीं ब्रेक पर जाने से पहले आपने एक दादा की गुफ्तगू सुनी जिनका पोता इस जहाने फानी से कूच कर गया है, मैयत को गुस्ल दे रहे हैं, तदफीन का कफन दफन का इंतज़ाम हो रहा है, वो मैयत को कैसे लेकर जाएंगे जनाजगाह की तरफ और उसके बाद कब्रिस्तान की तरफ इस तमाम तर गंदगी से होकर, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जो यकीनन अरबाब इख्तियार के चेहरे पर एक तमाचा ज़रूर रसीद करेगी, वो लोग जो इनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराते हैं और उसके बाद रफू चक्कर हो जाते हैं। डेंगी मच्छर ऑब्वियसली मेरे राइट साइड पे देखें आप क्या सूरत हाल है। वसीम निसार साहब, हमारे व्यूअर्स को दिखाइए कि सीवरेज का निकासी आपका कोई इंतज़ाम नहीं है, पानी कहाँ जाएगा? गंदा पानी जमा होगा, साफ पानी भी खड़ा होगा, यहाँ डेंगी मच्छर भी आएगा, यहाँ मलेरिया भी आएगा, यहाँ दीगर अमराज भी फूटेंगे। यहाँ के इलाका मकीनों से बात करने की कोशिश करते हैं, चलते हैं, जानते हैं कि क्या कहते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी आगे आ जाए ना, क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ बीमार हैं लोग, बच्चे बीमार हैं, खारिश हो रही है, डेंगू का मसला हुआ बड़ा है, तो अब क्या करें, हम कहाँ जाएं? डेंगू तो साफ पानी पे आगे, पर गंदे तो देखो पहले है, पानी भी नहीं है, यह गंद में डूब रहा है, हमारा बच्चा गिर गिर जा रहा, रोजाना स्कूल ना जा सके, मस्जिद में नमाज पढ़ ना जा सके। भाई डॉक्टर यास्मीन से हमसे वादा किया था कि जब मैं हारूं या जीतूं मैं ये गलियां ठीक करवाऊंगी, जबकि वो इलेक्शन हुआ है वापस नहीं आई, वरना इधर आके बूट पहन के हम सुबह इस गटर में अमानी कुरानी एक बच्चा गिरा है, ये दूध वाले ने निकाला सुबह ये गटर में, हाँ ये देखो हमारे पोंख अलग हैं कसम से यार, कोई ये देखो कोई बंदा नहीं, खारिश हो रही है कसम से, इतना गंदा पानी है। 7 महीने हो गए, 7 महीने पूरे 7 महीने हो गए इस पानी को। आगे थोड़ा सा करीब आ जाए, थोड़ा माजी आगे आ जाए ना, मुझे एक बात जो है ना वो दिल से बताइएगा कि यहाँ जब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा वोट लेने के लिए आई थी और हमने दिखाया भी कि वो पानी की बोतलें दिखाया करती थी कि इस इलाके का बहुत बड़ा मसला पानी का है, आपने वोट किसको दिया था? भाई मैंने मैडम को दिया, भाई आई बल्ला को वोट दिया, पे मोहर लगाई, हाँ बल्ला पे लगाई, हाँ बल्ला पे मोहर लगाई है, दिया बल्ले ने, कौन सा इंसाफ किया है बल्ले ने, सिवा गया गटर में देख कूड़े में फिरे, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। गली तो ये हालत है कि वो अगले से गली से आंदा है पानी, बीमारी सुस्ती दुनिया आधे हाल देते हैं जी। चलो एक मिनट तोड़ करें कि हमारी गली भी दिखाएंगे माजी, बिल्कुल इसके अलावा वो पिछली गली देते हैं, आओ मैं आपसे दिखाता हूँ। मेरे बच्चे बीमार हो गए, मेरा मकान था, मैं मकान छोड़ के कोई और गली में चला गया, मेरा करिए का क्या वहाँ था, अपने मकान मकान है वो की करेगा, बीमार हो रहे पानियों से, बीमार हो रहे मेरा घर इधर ही है साथ ही, मेरे बच्चे देख लें छोटे छोटे, उसके कान में इतने दाने हो रहे हैं जिसकी वजह से ना डेंगू की वजह से, और ये सचमुच डेंगू है, झूठ भी नहीं है, और डेंगू है कहाँ, ये साथ ही वो होल बना हुआ शाम के टाइम मच्छर गंद ऊपर खुलता होता है, इतना बिल्कुल सही जी। गुफ्तगू सुन रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग वाकई तंग हैं, लोग वाकई मजबूर हैं, और जिस तब्दीली का की वो तवक्को कर रहे थे ना कि वो तब्दीली आएगी और इन तमाम तर लोगों के जो मसाइल हैं वो सुनामी आएगा और वो तमाम मसाइल बहा कर ले जाएगा, लेकिन हो ये रहा है कि इनकी खुशियां बहा ले गया है वो सुनामी, इनकी खुशियां बहा ले गई है वो तब्दीली। आप किसकी तरफ से आए हैं? किसी की तरफ से, सिटी 42 की तरफ से आए हैं। अच्छा तो आपकी तो ड्यूटी है, आप तो ये ड्यूटी निभाते यहाँ से हमारी तस्वीर चले जाएंगे, नहीं 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 हमारी तस्वीरें बनाते आप चले जाएंगे, हमारा तो आपसे तो कोई हल नहीं होता, या हल होता है लेकिन हम कोशिश तो करेंगे ना कि यास्मीन राशिद साहिबा तक आपकी बात पहुंचा दें। जो मैं बात पूछ रहा हूं, आप ड्यूटी दार हैं, हमारी तरह मजदूर हैं आप, आपने तो चला जाना है, आप डॉक्टर यास्मीन राशिद तक रसाई है आपकी? हाँ हाँ, आप जाते हैं वहाँ? नहीं, अब उन्होंने पास हमने क्या लेने जाना है, और वहाँ नहीं जाते ना, नहीं और ना अभी हम होके आए हैं चेयरमैन साहब से मिल के आया हूँ मैं, जंगीर खान साहब इधर के जो चेयरमैन खड़े होंगे पीटीआई के, चेयरमैन तो अब कोई नहीं है ना, अब तो बलदियाती नुमाइंदे हैं, खड़े होंगे बलदियाती इलेक्शन में जब खड़े होंगे, ना नाजम है अब तो ही नहीं है इस टाइम, जो अब इलेक्शन लड़ेंगे उनके पास में अभी गया था, उन्होंने कहा कि बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं तो स्कूल के लिए आने के कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, इस वजह से गटर का पानी साफ नहीं हो गया। खान साहब ने जो बलदियाती इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने कहा कि परसों हम आपको देंगे, परसों हम आपको गाड़ियाँ भी देंगे, इलेक्शन जो भी होगा आपका मामला परसों का हमसे उन्होंने वादा किया है, वाला आलम देते हैं या नहीं देते? हाँ जी क्या कह रही है? बेटा ये देखे हमारे इस गली में सारे बच्चे बीमार पड़े हुए, डेंगू मच्छर हमें हमारे बच्चों को आके बीमार पड़े हुए सारे बच्चे, ना पीने का पानी है ना गटर है, इतने 6 माह से हम इतने परेशान हुए हैं।
ਕਰਕੇ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨਾ ਕੀ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਏ ਮੀਡੀਆ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਟਰ ਖੁਲਵਾਏ ਨਾ ਆਤੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਕੀ ਬਾਤ ਅਰਬਾਬੇ ਇਖਤਿਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਬਸ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਬਾਬੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕੋ ਸ਼ਰਮ ਸੇ ਡੂਬ ਬਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਜਿਨਕੋ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸ਼ਰਮ ਦਿਲਾਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਯਹੀ ਹਮਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਬ ਬੋਟ ਲੈ ਲੇਤੇ ਜਬ ਆਤੇ ਤੇ ਗੰਦਾ ਹੈ ਗਟਰੋਂ ਕਾ ਹਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਮੇ ਜਾਤੇ ਹਮ ਤੋ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਦਿਲਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ अब बच्चे गटरों में से पानी गंदा और ये तो पानी बहुत ज्यादा है अगर शर्म आ जाए तो चुल्लू भर पानी काफी होता है छह माह से हम लोग घरों में बच्चों को बंद करके बैठे हुए जो दली ना पिछड़ी दली इससे भी बुरा हाल है उसका इससे भी बुरा हाल है सुन रहे हैं आपके हर गली के अंदर मामला तकरीबन एक जैसे हैं और यहाँ पर एक डेंगू मच्छर ही नहीं है बहुत सारी बीमारियां पाई जाती हैं और ये वो हल्का है जो सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का हल्का है सोचने की बात है आगे बढ़ते हैं कुछ और जगह आपको दिखाते हैं यहाँ हर गली हर नुक्कड़ हर चौराहे पर पानी ही पानी मौजूद है अब डेंगू सर्वेलेंस टीमें यहाँ पर कितने पर्चे काटेंगी कितनी FIR होंगी और किस पर होंगी ये किसका काम है ये इनका काम है वासा का काम है और किस पर FIR बनती है ये भी सोचने की बात है अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम क्या कहना चाह रही थी आप हम ये कहना चाहते हैं कि ये गलियों का अपना ये करवा दें आपकी मेहरबानी जितने हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं ना हमें ही पता है बुजुर्गों को जवान जैसे गिरते हैं किसी का हाथ टूट जाता है किसी की टांग टूट जाती है पानी बाहर से भर भर के लाते पानी नहीं आता ये कैसा हुकूमत आया हुआ कि बिल्कुल भी सहूलत नहीं दे सकता यहाँ पे ये तो तब्दीली आई है ना किस चीज़ की तब्दीली आई है ऐसी तब्दीली आती है कि कश्तियाँ लेकर चले जाए हम यहाँ पे कश्तियाँ लेकर जाए हम यहाँ पे क्या सहूलत है यहाँ पे हमारी ये जो डेंगू है खास तौर पर ये पहली बार तो डेंगू मच्छर पहली बार तो नहीं आया ना डेंगू सारे में फेरा बुखार इतने हो रहे हमारे सारे बच्चे बीमार हुए मेरी बच्ची को देखो कितनी बीमार है ये देखें बच्चों के कानों में भी सर पे भी गर्दन पे भी हर जगह पे डेंगियों का मसला बना हुआ है इस टाइम क्या कह रहे हैं मुसलसल बीमारियां पैदा हो रही हैं हेपेटाइटिस डेंगी डेंगू के लिए भी गंदा पानी पानी है नहीं बिल्कुल नहीं है पानी बिल्कुल बदबू वाला पानी आ ही नहीं रहा पानी वहाँ इतनी दूर से लेने के लिए जाते पानी नहीं आ रहा और बिले इतने भेज रहे के हराम की कमाई हो किसी के घर में पर्चियां लगाते जा रहे हैं तीनों से घर में जयंती है पर्चियां लगाते जाते हैं कि इनके घर में डेंगू है मैंने आपने हटाया अपने घर से डेंगू टीमें आती हैं हाँ आती हैं आती हैं और जब निकलता है डेंगू तो यहाँ पे वो लगा कर चले जाते हैं ये नहीं देखते कि गंदगी की वजह से किस किस चीज़ से डेंगू पैदा होता है ये स्कूल है सामने जी। बच्चों की इतनी प्रॉब्लम है यहाँ गुजरते हैं तो अंदर जाना मुश्किल हो जाता है बिल्कुल सही है जरा वसीम निसार साहब इसको यहाँ दिखाइएगा गवर्नमेंट नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन स्कूल है और उसके मरकजी दरवाजे के बाहर ये है बिल्कुल सही सारी कापियां बस्ते सब बच्चों के खराब हो गए फिर स्कूल गए घर गए फिर दोबारा उनको लेके आए ये प्रॉब्लम हुई में इतनी परेशानी है पूरे का पूरा इलाका ही ऐसे एक साल हो गए इस मोहल्ले को खराब होते हुए एक साल ये ऐसी तब्दीली आई है कि अवामों को परेशानी देने के लिए घर में सारा गंदा पानी भरा हुआ है यहाँ पे टांगे टूट रही है ना चोर चक्का बेईमान शैतान जा रहे देना चाहवां यार बनाई दा नहीं चोर चक्का बेईमान शैतान जा रहे ने चाहवां यार बनाई दा नहीं गंदा बंदा ना किसी दे पेश पाजे गंदा बंदा ना किसी दे पेश पाजे खुद सब नहीं दे हथ लाई दा नहीं ते एक बार जिन्नू अजमा लिए बार बार उन्हें अजमाई दा नहीं ते बार सच सियाने आख्या की दे के जहर नू खाई दा नहीं असीं फिर भी जहर खा के ना ते फिर जी क्या हुआ बच्चे को ये गंदगी की वजह से मच्छरों की वजह से हुआ है ये तो बड़ी बुरी हालत है बच्चे के चेहरे वही देख रहे इलाज नहीं करा रहे इलाज करवा रहे हैं कहां से इलाज करा जितना मर्जी करा लो दिखाएं वसीम निसार साहब ये बच्चे के चेहरे को दिखाएंगे क्या सूरत है पूरे जिस्म चेहरे पे नहीं है हमारे घर पे जाके देखो मेरा बेटा बीमार पड़ा हुआ इस गंदगी की वजह से उसके इतने बड़े बड़े फोड़े टांगों में निकले हुए हैं मैं खुद बीमार हूँ मेरी टांगों में इतनी खारिश हो रही है क्या दिखाऊं मैं आपको शर्म आती है मच्छरों की वजह से हाँ मच्छरों की वजह से जरासीम की वजह से या गंदगी बदबू की वजह से गंदगी की वजह से मेरी जवान बच्ची इतनी मोटी मोटियाँ गिल्टियाँ हुई है गंदे पानी से साल हो गया एक साल हो गया हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हुए एक साल हो गए हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हुए कोई किसी की नहीं सुनता बहुत बुरा हाल हो रहा है इधर बहुत ज्यादा हम उसको क्या दुआ दें
दुआ दें या बददुआ दें उसको, क्या करें? पानी लेने जाते हैं, दुआ दें या बददुआ दें, हमने अपनी मौत खुद हाथों से चुनी है पीटीआई को लाकर। अच्छा, आपने वोट किसको कास्ट किया? पीटीआई को किया था। ठीक है, पछता रहे हैं, ये क्या कर दिया हमने, आपने अपने आप अपना आप ही गंजा किया है। खास तौर पे ये जो डेंगू मच्छर वाला मामला है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ये शहबाज शरीफ हुकूमत में भी था, लेकिन उस टाइम पे सुकून था। अच्छा। उस टाइम पे टीमें आती थी, उस टाइम पे ना वो बिल्कुल टीमें भेज के ना खत्म करवा देते थे, ये अब नहीं हो रहा। हर दूसरे दिन हर सफाई हो जाती थी, सफाई हो जाती थी, ये गंद नहीं रहता था उनके हुकूमत में, उनकी हुकूमत में ये गंद नहीं रहता था। ये जब से ये इमरान साहब आए, जब से ये गंदगी होने लगी, गंदगियों में लेटने लग गए हैं हम, बीमार हम खत्म हो गए, जाके देखो घरों में क्या हाल हो रहा है, बद्दुआ इतनी पूरी आबादी दे रही है, इसका जाएगा, इसने पूरी गली गंदा पूरा मोहल्ला कर दिया, कोई बीमार है तो वो सही नहीं है, कोई शादी ब्याह नहीं करने के लायक, कोई जगह मरने, कोई मर जाए, कोई फौत की कोई जगह बिठाने के लिए जगह नहीं है किसी के लिए। गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, मामलात जो के तू हैं हल होने के नहीं हैं, ये उस वक्त हो रहा है, दिस इज दी हाई टाइम, के जिस वक्त पूरा सूबा पंजाब केपीके में तो है ही मामला, पंजाब जो है वो डेंगू मच्छर जैसे खतरनाक मच्छर से लड़ रहा है, लोग मरीज हो रहे हैं, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ना कोई पाकिस्तान पहला मुल्क है जहां डेंगू मच्छर वारद हुआ है, लेकिन बात यह है कि हमने क्या स्ट्रैटेजी बनाई कि मानसून का मौसम आ रहा है, हमने इस मच्छर से कैसे नबरदाजमा होना है, हिकमत अमली क्या बनाई, एक ब्रेक लेते हैं, हिकमत अमली बनाने वालों से भी बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आउट द ब्रेक व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और फेमस स्टार अब्रारुल हक साहब मौजूद हैं। अब्रार भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। माय प्लेजर। आज डेंगू से मुतालिक और डेंगू से नबरदाजमा हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और पंजाब हुकूमत भी, कैसे देखते हैं, क्योंकि पंजाब में डेंगू पर बड़ी सियासत हुई है, जब शहबाज शरीफ साहब का दौर था तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदवे तनकीद बनाती थी, डेंगू के पी में पहुँचा तो शहबाज शरीफ साहब बनाते थे, ये आपको पता है कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं सर? मैं अर्ज़ करूं कि वो कहते हैं ना, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, हमने माजी में देखा है बेशुमार लोग इस बीमारी के शिकार बने, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो सही वक्त पे इसको रोकना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए प्रीएम्प्ट करके इसको अभी से कैंपेन बना के रोका जा रहा है। दूसरा, आपने बात की सियासत की, इस पर सियासत बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आप नहीं देख रहे किसी सियासतदान की तस्वीर साथ लगी हुई है, उस वक्त तो वो इश्तहारात भी अपनी मनपसंद कंपनियों को दे के और अरबों रुपए उसमें से निकालना भी करप्शन भी ठीक है, वो बात ठीक है, पीटीआई की प्रीएम्प्टिव और मेयर्स के लिए इस्तेमाल की जा रही है और प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल की जा रही है। पीटीआई की पॉलिटिक्स ऑप्टिक्स की पॉलिटिक्स है, मतलब वो बात ठीक है कि आप करप्ट लोगों को पकड़ें, उन्हें जेल में डालें, सब कुछ है, लेकिन ये देखें ना कि इसके लिए जो आप प्रीएम्प्टिव मेजर्स की बात कर रहे हैं, मानसून का मौसम आ रहा था, पहले अगर एहतियाती तदाबीर हो जाती तो लार्वा मच्छर ना बनता, अब तो मच्छर बन गया वो। नहीं, अभी देखें, अभी बन रहा है, ये अफजाइश का मौसम चल रहा है और दिस इज़ द टाइम टू स्टॉप इट फ्रॉम हैपनिंग। अभी 3-4 टोटल पेशेंट्स रिपोर्ट हुए हैं, जो बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन अभी इसी वीक के अंदर जो टीम्स बाहर निकल गई हैं और जो सही जगहों पे जाके स्प्रेस कर रही हैं और पानी को फिनिश कर रही हैं, तो वो मैं समझता हूँ एक राइट टाइम डिसीजन था, और इसको इसके ऊपर आपको किसी वज़ीर आज़म की या वज़ीर आला की तस्वीर मच्छर के साथ नज़र नहीं आएगी इंशाअल्लाह, क्योंकि आप बड़ा अदबी ज़ौक रखते हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि एक तो है ना कि निसार में तेरी गलियों पे ए वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले, और एक आपने कहा था ना कि सर उठा के शहर में चलने का मौसम आ गया, तो क्या शहर में सर उठा के चलने का मौसम आ गया, हम डेंगू से डरते रहेंगे? मौसम आ गया तो सर उठा के चल रहे हैं ना हम, और सर उठा के चलने का मतलब ये है कि चैलेंजेस का सामना करें आप, और वो हम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बेशुमार चैलेंजेस का सामना है, लेकिन जब तक सीना फुला के और सर उठा के हम चैलेंजेस का मुकाबला नहीं करेंगे, उस वक्त तक मज़ा नहीं आया। यही गुनगुना के थोड़ा सा जो है हमारे व्यूअर्स के, सर उठा के शहर में चलने का मौसम आ गया, आओ के मौसम बदल देने का मौसम आ गया, आओ जरा दोस्तों, आओ जरा पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच सर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इस वक्त डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर सालेह सईद साहिबा, MD LWMC और सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया सर आपका भी। हम जब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से पूछते हैं ना, वो कहते हैं DC साहिबा से पूछे, DC साहिबा बड़ी मेहनत कर रही हैं और ये कैंपेन चला रही हैं, डेंगू लार्वे बहुत सारे जो हैं रिकवर हो रहे हैं, लार्वा बन गया मच्छर, अब कौन पकड़ेगा, अब तो वो सिर्फ जो है ना वो पेशेंट्स ही बनाएगा और अस्पताल हमारे जो है भर जाएंगे,
ये पहले पता था मॉनसून आ रहा है तो पहले इसके लिए क्यों प्रीएम्प्टरी मेजर्स क्यों नहीं किए? ये काम जो है ना डेंगी टीम्स का वो फरवरी से स्टार्ट है। इस टाइम पे सिर्फ इसको किक ऑफ करने के लिए और इसको एक बूस्ट देने के लिए हम लोग सड़कों पे आए हैं और उसका मकसद ये है कि पूरी कम्युनिटी को हम इंगेज कर सकें तमाम एक्टिविटीज़ में। और मैं ये आपके चैनल के थ्रू मैसेज देना चाहती हूँ कि हमने डेंगी मच्छर से घबराना नहीं है, हमने एहतियात करनी है। हमने जो सारे SOPs हैं, जो एहतियाती तदाबीर हैं और जो जो चीज़ें हमें बताई गई हैं उन पर अमल पैरा होना है। मच्छर कई कई जगह पर बना है, बिल्कुल ऐसी सही बात है, लेकिन हमारी टीमें ऑन ग्राउंड जाके हम डेली डैशबोर्ड पे उसको एनालिसिस करते हैं और इस चीज़ का मुशाहिदा करते हैं कि कोई एरिया लाहौर का मिस ना हो जहाँ पे हमारी एक्टिविटी या सर्वेलेंस वीक हो, और उसको कोशिश करें कि हर जगह लार्वा साइडिंग हो। और अगर आप देख रहे हो तो डेली के बेसिस पे हमारे FIR भी दर्ज हो रहे हैं, हमारे पेशेंट्स की तादाद और रिकॉर्ड FIRs आपने दिए हैं, 800 FIRs लाहौर के अंदर हुई हैं। अभी जो सरकारी दफातर के अंदर हो रहा है, कहीं लेस्को के दफ्तर से लार्वा निकल रहा है, कहीं त्यांजन यूनिवर्सिटी से सुबह निकला है, तो सरकारी महकमों के खिलाफ क्या कर रहे हैं आप? आम आदमी तो FIR दे के अंदर कर देते हैं आप। देखिए आम आदमी सरकारी अफसरान की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, इसलिए कि SOPs डिफाइंड है हेल्थ डिपार्टमेंट के, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स ने अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है और इस सिलसिले में उनको तमाम इंस्ट्रक्शंस भी जा चुकी हैं। और इस वीक में वो तमाम सरकारी अफसरान और मुलाजमीन जो हैं और डिपार्टमेंट्स हमारी कैंपेन का हिस्सा हैं, तो आप देखेंगे कि एक दिन हम तमाम दफ्तरों की सफाइयां चेक भी होंगी और कर भी रहे होंगे और साथ साथ गार्बेज पिकिंग कर रहे होंगे MD साहब के साथ, जो कि हमारी इस पूरी कैंपेन का बहुत बड़ा हिस्सा है। एक और बहुत बड़ा चैलेंज जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर के लिए, अरशद अंसारी साहब इस बात की तौसीक करेंगे कि जो डेंगी मच्छर है ना मैडम, हम दुआ करते हैं कि आप डटी रहें, डेंगी मच्छर बड़ा सियासी मच्छर है क्योंकि ये नून लीग में भी मतलब इस पर सियासत होती रही है, KP में गया मच्छर तो नून लीग ने PTI को हदफ़े तनकीद बनाया, एक बार फिर इसके ऊपर डेंगी मच्छर पे सियासत होने वाली है, डेप्टी कमिश्नर के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, आपका कोई कमेंट फिर अरशद अंसारी साहब से पूछूं? मैं इसमें सिर्फ यही कहूंगी कि देखें मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ और हम स्टेट के लिए काम करते हैं। ये मच्छर ले दे जाता है बहुत लोगों को। देखें वो हमारा काम खिदमत करना है और डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ काम करना है, बाकी जो फिर अल्लाह मियाँ की मर्ज़ी, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि लाहौर के शहरी मेरा साथ देंगे, आप लोग मेरा साथ देंगे और हम सिर्फ इस मच्छर को बीमार नहीं भगाएंगे बल्कि इस शहर की तमाम लोगों को इससे महफूज बनवाएंगे और इसकी बेहतरी के लिए काम करेंगे मिलकर। अंसारी साहब जो मैंने बात अभी लास्ट क्वेश्चन किया उस पर क्या कमेंट है आपका? मेरा ख्याल है कि बड़ा सियासी मच्छर वाला जो है। सियासी मच्छर वाला सवाल आपने मैडम से किया, मसला ये जो आपने कहा ऐसे ही है कि ये बड़ा सियासी मच्छर है और ये दूसरे सूबों में मुंतकिल हो जाता है, लेकिन की बरादरान हाँ बड़ी बड़ी बात हुई इस पर बड़े प्रोग्राम हुए, वो उन्होंने कहा कि आप वहाँ देखें KP में क्या हो रहा है, तो इन्होंने पंजाब में फिर बात की, फिर वहाँ से आया सूबों में मच्छर की एक सियासत हुई, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस पर सियासी बात करना नहीं चाहिए, उस वक्त तो हुई लेकिन अब इस पर थोड़ा कंट्रोल कर लेना चाहिए। लाहौर में इतना ज़्यादा डेंगू अभी आया नहीं, लेकिन ये है कि इतने रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन हम ये साहब ये सरकार कह रही है कि 38 हैं, ये 90 से ज़्यादा है। सरकार ये कह रही है कि 800 हमने मुकदमात भी दर्ज किए, लेकिन सरकार अभी कह रही है कि अंडर 10 है, जो कमिश्नर साहब ने अंदर हॉल में कहा सेमिनार में अंडर 10 बताया, बाकी मुंतकिल हो रहे हैं वो कह रहे हैं लोग पिंडी से दूसरे शहरों से लोग आके। नहीं मैं इसमें एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगी, ये जो 38 पेशेंट्स हैं आपके 1 जनवरी से लेकर आज के दिन तक हैं। नंबर 2 इस टाइम सिर्फ 5 पेशेंट्स हैं जो आपके हॉस्पिटल्स में हैं, बाकी तमाम जो फिगर है वो लोग पेशेंट्स को वो ले ही नहीं रहे। नहीं ऐसी बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमारे डैशबोर्ड में अगर आप फॉलो कर रहे हो तो मेरे तमाम अफसरान मुझ समय हम बिल्कुल हर जगह डेंगू काउंटर्स हैं, मैंने खुद प्राइवेट हॉस्पिटल्स विजिट किए हैं और हम इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि ना सिर्फ कंफर्म बल्कि सस्पेक्टेड पेशेंट्स भी रिपोर्ट हों। और सस्पेक्टेड पेशेंट्स जो है वो 5000 से ऊपर है। बिल्कुल ये हमारे फायदे में, जितने सस्पेक्टेड पेशेंट्स आएंगे लाहौर में जो भी बुखार के साथ आता है 2 दिन से 10 दिन की हिस्ट्री के साथ और जिसकी भी 1-2 अलामत हैं उसको सस्पेक्टेड पेशेंट कंसिडर करते हैं, और उसकी वजह ये होती है कि हमने केस रिस्पॉन्स कराना होता है, उस इलाके को स्वीप कराना होता है ताकि हम मजीद अलर्ट और मजीद विजिलेंस के साथ काम कर सकें। हमारी नेक तमन्ना आपके साथ है कि आप डेंगू मच्छर पर काबू पालें और डेंगू मच्छर पर डिप्टी कमिश्नर हावी हों, कहीं डेंगू मच्छर हावी ना हो जाए। एक बात है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी जोर से एकदम मुतहरक हो गई है और मेरा ख्याल है कि ये सस्पेक्ट हम तो कह सकते हैं ना, मैं और आप भी बड़े मुतहरक हैं, हमें होना चाहिए, ये हमारा और आपका फर्ज है और हमें मीडिया को इस पर पॉजिटिव। डेंगू मच्छर MD LWMC के लिए भी बड़ा खतरनाक है। जी बिल्कुल सबके लिए खतरनाक है, वेरी डेंजरस, आपको पता नहीं इसके इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं। नहीं आप सही फरमा रहे हैं, डेंगू मच्छर खतरनाक है, तभी तो हम सारे लोग यहाँ निकले हुए हैं कि उसको ख़त्म किया जाए। और दूसरा मैं आपको ये बताता चलूं कि डेंगू मच्छर और सफाई का बड़ा चोली दामन का साथ है,
तो ये कैंपेन जो डीसी साहब ने डिज़ाइन की है, इसमें सफाई के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं और साथ मिलकर शहर को साफ भी बनाएंगे और डेंगू मच्छर के खिलाफ चंद मखसूस इलाकों में कर रहे हैं या अंदरूनी इलाकों में भी जा रहे हैं? हमारा देखें पूरे लाहौर के लिए हम डायरेक्टली विक्टिम्स हैं जी, उनके साथ साथ जो स्पॉट हॉट स्पॉट्स हैं उनके अलावा पूरे शहर में हमारा विदाउट एनी डिफरेंस हम काम कर रहे हैं। एम डी एल डब्ल्यू एम सी की गुफ्तगू भी आपने सुनी है, डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद साहिबा जो है वो शहरियों से क्या अपील कर रही हैं। ऑब्वियसली जहाँ ये ज़िले इंतजामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही हमारे एंड पे हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पानी जमा ना होने दें और एक ख्याल रखें राइट लेफ्ट इन्वायरमेंट का कि वहाँ पर डेंगी मच्छर की अफजाइश ना हो। डेंगी मच्छर साफ पानी के अंदर पैदा होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे, जैसे मैंने ब्रेक पर जाने से पहले आपको दिखाया कि जहाँ निकासी आब नहीं है, सीवरेज के इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो साफ़ पानी का ड्रेनेज होगा कहाँ पे अगर वहाँ पर कोई सैनिटेशन का प्रॉपर को प्रोसीजर होगा ही नहीं। मैडम वन लास्ट मैसेज फॉर जो कॉमनर्स हैं, आम आदमी हैं, उनको क्या पैगाम दें? देखिए हमारा इस पूरे वीक का एक मैसेज है मेरा और MD साहब का, उसमें ये है कि हमारे जो भी डेंगू के SOPs हैं तमाम शहरी उस पर अमल पैरा हूँ, अपने घरों में अपनी गलियों में जितनी भी हमारी अभी सर्वेलेंस हो रही है उसमें मैं आपको एक बात सिर्फ मेंशन करना चाहूँगी कि मोस्टली जो डेंगू लार्वा पाया जा रहा है वो इंडोर सर्वेलेंस में पाया जा रहा है, जिसका मतलब है कि शहरी जो हैं वो एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा नहीं है। पानी मत खड़े होने दें अपने घर की ट्रेज में, गमलों में, घरों के गटरों के ढक्कन में, इसके अलावा वाटर डिस्पेंसर्स में, रूम कूलर्स में। दूसरा मैसेज मेरा ये है जो कि MD साहब और मैं हम जॉइंटली इंशाल्लाह हर जगह निकलेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये जो कूड़ा है ये खाली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। माई वेस्ट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बींग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हम सब ने मिलजुल कर इस शहर को ना सिर्फ साफ़ सुथरा बल्कि खूबसूरत भी बनाना है। बिल्कुल सही है जी, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बींग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमने शहर को खूबसूरत बनाना है, ना सिर्फ आम आदमी ने बनाना है बल्कि सरकारी अफसरान ने सरकारी दफातर में भी ख्याल रखना है कि वहाँ भी पानी जमा ना हो, नहीं तो वहाँ भी उम्मीद है कि वहाँ भी FIRs होंगी, जिस तरह आम FIR 800 हो गई हैं वहाँ भी FIRs होंगी तो लग पता जाएगा। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही जी, नेक्स्ट एपिसोड में नए इशू के साथ फिर से हाजिर होंगे, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह ने के पास।